पर आप अगर दिग्घा से अगर मेरिन ड्राइव से अगर आएंगे, किसी को भी अगर आना रहेगा इसी दीदारगंज के रास्ते से या फिर बाईपास में इन कर जाएंगे आप। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसएसआई ट्यूब, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सब्बलपुर कह सकते हैं या फिर दीदारगंज कह सकते हैं, और यहाँ का दृश्य देखिएगा तो वो बिद्दूपुर का फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गंगा में भी पाया, जो आप कह सकते हैं पाया और एंगल जो होते हैं वो भी लग गई है। तो हमारा मकसद है, जिस स्थान पर है ये दिग्घा पटना मेरिन ड्राइव का है, ये कार प्रगति पर है। इस स्थान पर ही ये सड़क खुलेगी, दीदारगंज के आसपास में ये पड़ता है ये सड़क। इसी सड़क पर आप अगर दिग्घा से अगर मेरिन ड्राइव से अगर आएंगे, किसी को भी अगर आना रहेगा इसी दीदारगंज के रास्ते से या फिर बाईपास में इन कर जाएंगे आप। और यहाँ का जब देखिएगा दृश्य, यहाँ पर गार्ड साहब है, गार्ड सुरक्षा के दृष्टि में बिल्कुल पैनी नज़र रहना चाहिए। बहुत तरह का यहाँ पर छड़ सरिया शेड तमाम तरह का इनके सुरक्षा में है यहाँ पे। और जब वहाँ जब देखिएगा तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। यहाँ पर पुल का निर्माण लगभग हो चुका है और यहाँ का जब देखिएगा तो अंतिम टच यहाँ पर किया जाएगा। तो पटना वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, खासकर के लिए मेरिन ड्राइव के नाम से मशहूर है। हम लगातार अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा आपको अपडेट करवाते रहें, चाहे वो कंगन घाट हो, चाहे वो पीर देवरिया हो या फिर गाय घाट पटना सिटी हो। हमारा मकसद है कि अंतिम दिखलाने का यहाँ इसलिए है, इसी अंतिम छोर पर यहाँ पर जो सड़कें जो बगल में है ये सड़कें जुड़ जाएगी आपको फिर बख्तियारपुर मोकामा और रांची और जाने के लिए। तो तैयार हो जाइए, और ख़ास करके राजधानी वासियों के लिए एक नई सौगात मिलने वाली है बहुत जल्द। यहाँ का टचिंग है, फिनिशिंग है यहाँ पे, और पक्किया किया गया है चिप, यहाँ जी के अलकतरा जो कहते हैं, कोल कहते हैं, उससे भी यहाँ पर चिपिंग किया गया है यहाँ पे। तो बस तैयार होइए, और सिर्फ उद्घाटन यानी कि अब शुभारंभ का दिन आने वाला है बहुत जल्द। इसके ठीक सामने देखिएगा तो ये गंगा मैया का दृश्य है। गंगा मैया भी फिलहाल सूख गई है, लेकिन हाँ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जब आप देखिएगा तो उस साइड से बन गई है, और झूला वायर के सहारे उसको एंगल को दिया गया है। और ये फ्लाईओवर जो है बिद्दूपुर से लेकर मेन बाईपास, उसको आप कह सकते हैं NH-30 से जुड़ने वाली है। लगभग ये भी कंप्लीट, सिर्फ 10 से 15 जो आपका पाया जो है शेड लगाने वाली है वो भी फाइनल है। तो आप इसको भी फाइनल समझिए, और लगभग ये मेरिन ड्राइव का भी ये भी फाइनल ही है और बिल्कुल टच पर है। धन्य हो केंद्र सरकार या फिर धन्य हो बिहार सरकार कि आपने बहुत बेहतर कार्य किए, खास करके पटना वासियों के लिए। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।